YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाकर पाएं प्रमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। लातेहार पुलिस व सीआरपीएफ ने संयुक्त अभियान चलाकर पीएलएफआई के चार उग्रवादियों को बालूमाथ थाना क्षेत्र के तितिर जंगल से गिरफ्तार किया है। पीएलएफआई के चार उग्रवादी कमांडर संतोष यादव के इशारे पर बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में ये तमाम उग्रवादी थे। सूचना की जानकारी मिलते ही लातेहार एसपी व सीआरपीएफ के जवानों ने अभियान चलाकर चार उग्रवादियों को धर दबोचा। उग्रवादियों ने बालूमाथ में एक जेसीबी व पेलोडर को जलाने की घटना को पिछले दिनों अंजाम दिया था। पुलिस को उग्रवादियों के पास से नक्सली पर्चा व भारी मात्रा में हथियार व गोली मिले हैं। पुलिस ने उग्रवादी गुलाब यादव, रवि यादव, पवन यादव व राकेश पासवान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बालूमाथ थाना क्षेत्र में लातेहार जिला पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त अभियान में पीएलएफआई से जुड़े चार उग्रवादी गिरफ्तार हुए हैं। ये चारों लोग पिछले कुछ दिनों पहले बालूमाथ में आगजनी की हुई घटनाओं में शामिल थे। इन लोगों के द्वारा बालूमाथ में कुछ दिन पूर्व जेसीबी को जलाने की घटना हुई थी, उससे पहले इन लोगों ने पेलोडर जलाने की घटना भी कारित की थी। तो इस दोनों ही घटनाओं में ये लोग शामिल रहे हैं। इसमें से जो एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है उसका नाम रवि है। वो अमित जी के नाम से इस पूरे क्षेत्र में लातेहार जिला में लेवी पीएलएफआई के लिए लेवी मांगने का कार्य किया करता था और ये पीएलएफआई का जो महत्वपूर्ण कमांडर है संतोष यादव उसका रिश्तेदार भी है। इसके अलावा गुलाब कुमार यादव, पवन यादव और राकेश कुमार पासवान, इन तीन व्यक्तियों की भी गिरफ्तारी हुई है। कुल चार गिरफ्तारियां, ये चारों लोग पीएलएफआई संगठन से संबंधित थे और इन लोगों का मुख्य रूप से जो प्रयास था वो इस क्षेत्र में होने वाली विकास संबंधी जो कार्य चल रहे हैं, इसके अलावा जो कोल परिवहन है, इन सब चीज़ों से लेवी वसूलने का प्रयास करना और लेवी नहीं मिलने की स्थिति में आगजनी की घटनाएं कारित करने का ये लोग कार्य किया करते थे। इनके पास से दो अत्याधुनिक हथियार पुलिस ने बरामद किया है, एक जर्मन मेड हथियार है और दूसरा यूएस मेड है। तो अब ये हथियार इन लोगों के पास कैसे पहुंचा, किस तरीके से इनके पास वो हथियार और एम्यूनेशन प्राप्त हुआ, इसके बारे में भी हम लोग इनसे और जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और इनको आगे रिमांड पर लेकर, पुलिस रिमांड पर लेकर हम लोग और गहन